मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में एक व्यक्ति की आपसी विवाद में की गई हत्या। इलाके में तनाव का माहौल। मुजफ्फरपुर जिला के ब्रह्मपुरा क्षेत्र में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। ब्रह्मपुरा थाने के मेहदी हसन चौक पर किला बांध मोहल्ले के निवासी 55 वर्षीय जहांगीर नामक व्यक्ति की हत्या पर परिजनों में आक्रोश है। घटना को लेकर आरोपी मोहम्मद जग्गू मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में इस बात को लेकर तनाव का माहौल है। घटना की सूचना पर दल बल के साथ ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस पहुंचकर कैंपिंग शुरू कर दी है तथा इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में चोरी की बकरी बेचने आए दो चोरों की पिटाई। अब पुलिस कर रही है बकरी मालिक का सत्यापन। मुजफ्फरपुर में बकरी की चोरी कर दो चोरों को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के महाराजी पोखर के बकरी मंडी में चोरी की बकरी बेचने आए दो किशोर को लोगों ने धर दबोच लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। नगर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। पकड़े गए बकरी चोर की पहचान मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पंखा टोली निवासी के रूप में की गई है। पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है तथा बकरी मालिक का सत्यापन कर रही है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के भय से रुका कटरा रजिस्ट्री कार्यालय का निबंधन। दो दिनों से आम जनता हो रहे हैं परेशान। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा अवर निबंधक मिथिलेश कुमार दास से अपराधियों ने पिछले दिनों रजिस्ट्री कार्यालय में घुसकर पिस्टल सटाकर 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की और रुपए नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई थी। दहशत के कारण निबंधक कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, लिहाजा आम लोगों को परेशानी हो रही है। इस बाबत अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मंगलवार से ही रजिस्ट्री का काम यहां बाधित है। बीते मंगलवार की दोपहर 3 सशस्त्र अपराधी रजिस्ट्री कार्यालय में पहुंचे थे। उनमें 2 बाहर ठहर गया तथा 1 अपराधी अंदर रजिस्ट्री कक्ष के अंदर घुस गया तथा उस समय जब रजिस्ट्रार अकेले थे तब अपराधी ने पिस्टल लहराते हुए रजिस्ट्रार से कहा कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए वरना 1 सप्ताह के अंदर उनकी हत्या कर दी जाएगी। इतना कहते हुए अपराधी बाहर निकलकर फरार हो गया। इधर निबंधक दहशत में आ गए और बगैर किसी कार्रवाई के शहर अपने आवास चले गए। निबंधन कार्यालय में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। मामले में जिला के SSP मनोज कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। इस बात की प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर शहर में STF ने डाला डेरा, आधा दर्जन संदिग्धों को पकड़ा। मुजफ्फरपुर शहर में STF ने डेरा डाला है, आधा दर्जन संदिग्धों पर कार्रवाई की गई है। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शहर में पटना STF की टीम कैंप कर रही है। इसका नेतृत्व STF के DSP कर रहे हैं। गुरुवार को टीम ने सदर, अहियापुर, कांटी और ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में गोपनीय तरीके से शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान करीब आधा दर्जन संदिग्धों को उठाया गया है। सभी से गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पटना STF की टीम को गुप्त सूचना मिली थी। मुजफ्फरपुर में शराब के बड़े सिंडिकेट की मीटिंग हो रही है। इस सूचना के बाद बिहार के कई शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस आधार पर टीम मुजफ्फरपुर पहुंची और कैंपिंग शुरू कर दी। वर्तमान में सूचना के आलोक में STF को विशेष सुराग तो नहीं मिल सका है, लेकिन लगातार छापेमारी के संबंध में अभियान चलाई जा रही है। जिला पुलिस को भी इस मामले में जानकारी नहीं दी जा रही है तथा STF की टीम लगातार अपने हिसाब से छापेमारी का अभियान जारी रखी हुई है। बोचहा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी में 4 लाख की डकैती, कर्मचारियों को बनाया बंधक और घटना को दिया अंजाम, अपराधियों ने की फायरिंग। बोचहा के सरफुद्दीनपुर बाजार में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में गुरुवार की देर रात 6 की संख्या में अपराध कर्मी पहुंच गए। 14 कर्मचारियों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया गया। 9 मिनट में 3,95,371 रुपए लूट ली गई। इस दौरान फायरिंग की घटना से दहशत का माहौल कायम हो गया। प्रबंधक पंकज कुमार एवं कैशियर मुकुंद कुमार ने रुपए देने में विलंब किया तो दोनों को बुरी तरीके से बदमाशों ने पीट कर जख्मी कर दिया। डकैती के बाद बाहर निकले अपराधियों ने 5 राउंड फायरिंग की। वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में अपराधी पिस्टल लेकर कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए
और कैशियर के रूम से रुपए लेकर गमछे में बांधकर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लूट के बाद सभी अपराधी बाइक से दो टोलियों में शहर की तरफ निकल गए। दरभंगा NH 57 पर जगह जगह वाहन जांच का अभियान भी चलाया गया, लेकिन कहीं कोई सुराग अब तक नहीं मिल सकी है। प्रबंधक ने बताया कि दिन भर की वसूली और जमा किए गए रुपए का मिलान किया जा रहा था, तभी अपराध कर्मियों ने इस घटना को अंजाम दिया। ऑफिस रात में खोलकर काम हो रहा था, लेकिन कोई गार्ड नहीं रखा गया था। बताया जाता है कि घटना की सूचना बोझा थाने को जब मिली तब इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी की कोशिश में पुलिस की टीम लगी हुई है। कंपनी के खिलाफ लापरवाही के लिए भी कार्रवाई की बात मुजफ्फरपुर के SSP मनोज कुमार ने बताया। SSP ने दावा किया है कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा सभी अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बिहार में चीफ इंजीनियर के आवास पर ठेकेदार को जिंदा जलाया, नाराज परिजनों का हंगामा, आगजनी। यह खबर गोपालगंज जिले से है। नगर थाना क्षेत्र के गंडक विभाग के चीफ इंजीनियर मुरलीधर सिंह के आवास पर गुरुवार की दोपहर ठेकेदार रामाशंकर सिंह को जलाकर मार दिया गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि भुगतान के लिए चीफ इंजीनियर 15 लाख रुपए मांग रहे थे। घटना स्थल से केरोसिन तेल और गैलन और कई सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है। वारदात के बाद से चीफ इंजीनियर फरार हैं। चीफ इंजीनियर के आवास में गुरुवार को ठेकेदार रामाशंकर सिंह अपने भुगतान को लेकर गए हुए थे, जहां उनको जला दिया गया। गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि ठेकेदार एवं इंजीनियर के बीच भुगतान को लेकर पहले से विवाद था। गोपालगंज SP राशिद जमा ने बताया कि जांच में जो बातें सामने आई हैं, उससे यह पता चला है कि ठेकेदार एवं जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर के बीच रुपए के भुगतान को लेकर विवाद चल रहा था। ठेकेदार कैसे जले हैं, यह सब जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा। पटना में रात 1 बजे AN कॉलेज के पास लूट कर भाग रहे 4 बदमाशों की कार डिवाइडर से टकराई। पॉलिटेक्निक मोड़ के पास ऑल्टो कार सवार मोबाइल दुकानदार से मारपीट और लूटपाट कर नशे में बेतहाशा भाग रहे 4 अपराधियों की कार AN कॉलेज से आगे डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना गुरुवार की मध्य रात्रि की करीब 1 बजे की बताई जा रही है। अपराधियों ने इंद्रपुरी रोड नंबर 10 निवासी अभिषेक कुमार चौबे को बुरी तरीके से मारपीट कर जख्मी कर दिया है। उनसे 16,000 रुपए नकदी छीन लिए गए हैं। अभिषेक को पीट पीट कर सड़क पर गिराने के बाद कार सवार अपराधी बहुत तेजी से बोरिंग रोड चौराहे की तरफ भागे। इसी क्रम में अपराधियों की कार बेकाबू हो गई और आगे डिवाइडर से फिर टकरा गई, फिर सड़क से दूर खड़े ट्रैक्टर को ठोकर मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अपराधियों की कार के टायर भी फट गए। लूटपाट का शिकार अस्पताल में इलाज के लिए बोरिंग रोड चौराहे की ओर जाने लगी तो उसे घटनास्थल पर यह कार तो दिखी, लेकिन अपराधियों को तब तक पुलिस ले जा चुकी थी। पीड़ित ने बताया कि 4 अपराधी इसमें सवार थे और सभी नशे में थे। SKPuri थाना प्रभारी राजेश कुमार का बताना है कि जब पूछताछ की गई तो कहा गया है कि कार हादसे में एक के घायल होने की सूचना है। साहिबगंज में 108 एम्बुलेंस के कर्मी ने किया इनकार, बेटी का शव लेकर भटकते रहे परिजन। साहिबगंज से यह अमानवीय खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि नियम कानून मानवता की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, मगर कभी कभी यह मानवता को भी शर्मसार कर देता है। ऐसा ही एक मामला साहिबगंज में देखने को मिला है। दरअसल राजमहल के 5वें टोला में घर की दीवार गिरने से एक बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे इलाज के लिए राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन बालिका को 108 वाहन से सदर अस्पताल ला रहे थे। परिजनों का कहना है कि ताल झाड़ी के करीब ही बालिका की मौत हो गई, जिसकी जानकारी वाहन में बैठी सहिया वाहन कर्मी को देती है, मगर कर्मियों ने बच्चों के परिजनों को ऑक्सीजन चलने की बात बताते हुए सदर अस्पताल पहुंचा दिया, जहां चिकित्सक अरुण कुमार ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद बच्ची की माता पिता रोने लगे और सबको वापस राजमहल ले जाने का अनुरोध करने लगे, मगर नियम कानून का दुहाई देते हुए सबको वाहन से उतार दिया गया। सहिया अजमीरा बीवा ने बताया कि वाहन कर्मी ने मानवता की दुहाई देने के बावजूद उसकी एक नहीं सुनी और सब को लेकर उसके पिता दर दर भटकते रहे। 20 वर्ष पहले बिछड़ा माता पिता को मिला बेटी। आसनसोल से यह खबर है। विगत 26 साल पहले लापता चितरंजन निवासी
तापस घोष को उनकी बेटी ने गुरुवार को आसनसोल स्टेशन के निकट काउंटर के निकट पाया। बिछड़े पिता को पाकर बेटी की खुशी का ठिकाना न रहा। इसने इसके लिए भगवान के प्रति आभार प्रकट किया। बेटी ने कहा कि उसकी मां ने कहा था कि 26 साल पहले चितरंजन से उसके पिता तापस घोष रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। परिजनों और सभी संभावित स्थानों पर तलाशी के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं लगा। गुरुवार को बेटी अपने पति के साथ ससुराल दुर्गापुर जाने के लिए टिकट काउंटर के पास टिकट कटा रही थी। वहां अपने पिता के चेहरे से मिलते एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को देखकर वह करीब पहुंची और ध्यान से देखने पर उसे अपने खोए पिता की तस्वीर से उस व्यक्ति का चेहरा मिलने लगा। उसने इसकी सूचना अपनी माँ और घर के दूसरे परिजनों को दी। उसका फोटो मोबाइल से लेकर भेजा गया। माँ ने भी उस व्यक्ति की पुष्टि अपने खोए पति के तौर पर की। बाद में बेटी और दामाद उसे अपने साथ ले गए। 370 के बाद भारत में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है पाकिस्तान। दिल्ली से गुजरात तक अलर्ट। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान भारत में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। गुजरात के कच्छ में के कंडाला में आतंकी हमले की आशंका को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए समुद्री सीमा पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समुद्र के रास्ते आतंकवादियों की संभावित घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलने के बाद गुजरात पुलिस ने कंडला और मुंद्रा बंदरगाहों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा के मद्देनजर नौसेना ने गुजरात के सभी बंदरगाहों को अलर्ट रहने को कहा है। इससे पहले तमिलनाडु में 4 आतंकवादियों के दाखिले होने के बाद भी पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया था। पुलिस महानिरीक्षक सीमा रेंज डीबी वाघेला ने कहा कि हमने कांडला बंदरगाह समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और बढ़ा दी है। अभी विशेष तौर पर आतंकवादियों की गुजरात में प्रवेश की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सामान्य जानकारी है समुद्री मार्ग के जरिए आतंकवादी घुस सकते हैं। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि कच्छ जिले में मुंद्रा बंदरगाह भी महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है और यहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जॉर्जिया में 42 साल के व्यक्ति ने एक अंगुली से 200 टन वजनी बोट खींचकर रिकॉर्ड बनाया। पूर्वी यूरोपीय देश जॉर्जिया में रहने वाले 42 साल के जिर्जियो रोस्तो मार्सविलेवी ने 200 टन वजनी बोट को एक अंगुली से खींचकर रिकॉर्ड बनाया है। इसे जॉर्जिया रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जियोर्जी को 1 मिनट में 5 मिनट तक बोट खींचने थी, लेकिन उन्होंने 40 सेकंड में ही इसे पूरा कर लिया। जॉर्जियन रिकॉर्ड फेडरेशन ने कहा है कि अब तक का विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने इसे गिनीज बुक में दर्ज कराने के लिए इवेंट के वीडियो फुटेज भी बुक को भेजे हैं।